किसी भी पासवान के लिए स्टेज पर आकर अपनी बात को मुख्तसर बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पर जब किसी अपने लिए उस शख्सियत के लिए जो आपके लिए बात की हैसियत रखता है, उस शख्सियत के लिए बोलना, उसके लिए गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल होता है। उनसे मेरा रिश्ता जैसे भाई सुहेल साहब ने बताया, उनसे मेरा रिश्ता एक भांजे का भी है और उसके साथ मैं उनके दामाद की हैसियत से भी जगह पर मौजूद हूँ। तो अगर मैं अपना वो रिश्ता जो मेरी माँ की जान से जुड़ा उसका तस्करा करूँ तो वो मेरे मामू का पंजाबी का उसकी माँ है, उसके बीच में दो दफ़ा माँ का लफ्ज आता है, यानी वो शख्सियत जो आपको माँ है दो मरतबा प्यार एक मैं वक्सिया उसका दूसरा रिश्ता है वो एक दामाद का है और मैं हमेशा उन्हें अपने मामू के तौर पर या ससुर के तौर पर नहीं अपने बाप के तौर पर समझता था, हमेशा समझता रहा। अक्सर ये समझा जाता है कि जब बाप मर जाता है तो उसकी बात भी खत्म हो जाती है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, कल जब हम उनके जिस्म को लेने के लिए मौजूद मौजूद है तो वो एहसास आज के कानून की तरह गुजरे और शायद जब तक जिंदा रहूंगा इस तरह पूछते रहेंगे जो मेरे छोटे मामू थे उसे तक बन गए कि कौन कहता है कि तेरा बेटा नहीं देख रहे कितने बेटे आए हैं, जितने भी उनके भतीजे हैं जितने भी उनके भांजे और बहन उनका दामाद होते उनका बेटा होते जिस वक्त मौजूद उनकी हर एक आदत उनके किसी न किसी बेटे में मौजूद है और बाप कभी मर नहीं सकता। उनके फन को देखे उनका कदर उनकी गुफ्तगू अमीका में उनके शरीर को भाई मासूम शाह सबसे पहले याद आया उनको देखा तो उनकी गुफ्तगू उनका बहुत ही अंदाज है उनके अंदर मौजूद है। तो कभी भी बाप से मर नहीं सकता और उनकी औलाद भी हमेशा जिंदा रहता है। वक्त क्योंकि थोड़ा है, वक्त कम है, इसलिए एक नजम के साथ तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने बुलाई थी वो झूठा था वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से मिलके टूटा था, मेरी आंखें तुम्हारे मंजिलों में कैद है अब तक, मैं जो भी देखता हूं सोचता हूं वो वही है जो तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते, मैं लिखने के लिए जब भी कागज कलम उठाता हूं तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी कुर्सी पर पाता हूं, मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा रहता है, मेरी बीमार को दे दूं मेरी लाचार को दे दूं, तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा था वो छूटा था, तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं तुम मुझे जिंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आ, बाप कभी मर नहीं सका उसकी औलाद को रोक सकती है कि जब तक उसकी औलाद जिंदा है लोग दुनिया उनके वालिद को उनके बाप को उन्हें देखते हैं। मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरा ताल्लुक एक ऐसी बड़ी शख्सियत से है, वो कभी मर नहीं सकते, वो हमेशा